ਕਿਵੇਂ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 5-7-10% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ SHO ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ SHO ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਥੱਲੇ आप बंदे नूं अंदर देंदे हन पंजाब पुलिस नाल दा कानून कोई नहीं लागू कर सकता पंजाब पुलिस इंसाफ देंदी आ हुण जदों अपनी वाली आई है SLP पाती जाके बाकी बंदे नहीं फड़ लैंदे दूजियां स्टेटां दे जोगे लै आंदे जे तुहाडे अपने बंदे क्यों नहीं तुहाडे को फड़े जांदे कनेडा पुलिस ने एक मामला जिहड़ा दर्ज कीता सीगा बंदा वी फड़िया सी ट्रैवल एजेंट ब्रजेश मिश्रा तुसीं देखो उहने किस तरह विद्यार्थियों का भविख दा ते लाता उहदे ते कहिंदे वी इत्थे मामले दर्ज होए सी मेरे पर कहते फड़िया फड़िया कभी नहीं गया वेखो किस तरह चल रहा है सारा जिन्हें FIR दर्ज है इदा ही एजेंटा के उत्ते तक नहीं फड़े गए अपने घर जो बैठे जे लोगों ने करोड़ों की ठगियां मारिया जे 2 रुपए किलो जरा कणक है कहते सरकार ने कोई 3 लाख के आस पास कार्ड कटते हैं भी ये बंदे को की वो अधिकारियों ने जिन्होंने इन्हों के कार्ड बनाए जेड़े इन्हों राशन देंदे रहे या इन्हों माल आप खाते रहे की सरकार उन्होंने कार्रवाई करेगी इन्हों चाहिए हर डिपो की विजिलेंस जांच हो वाकई कणक जिहड़ी जा रही आ जिहदे जिहदे वास्ते आई आ ज़्यादा शिकायतां ये भी कणक बाहर चक्कियां ते लै जांदी आ सत श्री अकाल नमस्कार मैं हाँ दीपक भंडारी ते तुसीं देख रहे हो D4G न्यूज़ साडे विशेष प्रोग्राम खरियां खरियां च तुहाडा स्वागत है पंजाब सरकार लई अफसर ही मुश्किल बने हुए ने मुसीबत बने हुए ने इदां कहा जाए तो गलत नहीं होएगा कदी अमरूदा के बागों के विचों अपनी घरवालियों के नाल पैसा ट्रांसफर कराना ते कदी पंजाब स्माल स्केल इंडस्ट्री ते एक्सपोर्ट कारपोरेशन की IAS अधिकारी ते कार्रवाई ना होना ते कदी तहसीलदार ते नायब तहसीलदारा ते भ्रष्टाचार के आरोप लगना ते उन्हां वल्लों सरकार के उत्ते दबाव बनाना हुण एक IPS अधिकारी नूं विजिलेंस वल्लों तलब कर लिया गया आरोप है कि नशा तस्करां नूं उह संरक्षण दिंदा सी 10-10 लाख रुपए की रिश्वत मंगी जाती है नशा पंजाब लई कोड़ दे समान है जवानी पंजाब दी बर्बाद हो चुकी है कोई ऐसा दिन नहीं जांदा जिस दिन पंजाब दे विच कोई खबर नहीं आती कि नशे नाल किसी नौजवान की मौत हुई है ऐसी भी कई खबर आदि है कि टीका लग्या ही हुंदा है वध टीका लग जाता तो नौजवान मर जाता है जिन्हां दे उत्ते कानून दे रखवालियां दे उत्ते इह जिम्मेदारी सी कि वह नशे नूं मुक्त करनगे खत्म करनगे पंजाब नशे तो मुक्त करेंगे पर कोई जे तस्करां नाल रल के पैसे बनाउन लग जान ते फिर पंजाब दा ते रब ही राखा आखिरकार बंदा आम करेगा ते करेगा की जे उन्हूं पता लगदा कि उहदे घर दे आसे पासे कोई नशा बेचदा या दड़े सट्टे दा कारोबार हुंदा या कोई होर गलत काम हो रहा है ते पुलिस उन्हां नूं संरक्षण दिंदी है ऐसे आरोप लगदे सन हुण ते विजिलेंस वल्लों एक IPS अधिकारी इंद्रबीर सिंह नूं नामजद कर लिया गया आरोप है कि पुलिस वालों को भी वो पैसे लेंदा सी हुण इहदे च सच्चाई किन्नी है ये तय जांच तो बाद ही होएगा तो अदालतों ने तय करना है कि उहदे उपर लगे आरोप सही ने या गलत ने पर यह भी सच है कि धुआं उदों ही उठता जदों चंगारी कित लगती है बरखास्त AIG राजीत सिंह जमीन खा गई या आसमान निकल गया सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच करते हैं राजीत सिंह उतों भी राहत नहीं मिलती साले साढ़े एक्सपर्ट राकेश शर्मा शर्मा जी नमस्कार नमस्कार भंडारी साहब शर्मा जी देखो नशा बड़ी वड्डी समस्या है सरकारां दो बदल गई अकाली बादल सरकार चली गई BJP नाल जो गठबंधन सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार चली गई चन्नी साहब चले गए भगवंत मान सरकार नूं आया 15 महीने हो गए पर नशे की समस्या उत्थे दी उत्थे है ये भी आरोप लगते भी नशा फड़िया तो वध जांदा है पर विखा घट दिता जांदा है उस तो बाद किसी नूं फिट कर दिओ किसी नूं छड़ दिओ किसी नूं फसा दिओ पहले तो यह सामने आता सी भी कोई ASI कोई सब इंस्पैक्टर या SHO लैवल का पुलिस अधिकारी नशे तस्करां नाल मिलिया है तो उत्ते किते ना किते नकेल पै जांदी सी हुण एक AIG बरखास्त किया जा चुकिया IPS अधिकारी नूं नामजद किया जा चुकिया आखिरकार ये पूरा मामला है तो पंजाब आखिरकार लोग जाणदे जाण किथे बिल्कुल भंडारी साहब तुहाडी गल ठीक आ नशे दे मुद्दे ते दो सरकारां चल गईआं जी अकाली दल कांग्रेस तेजी बन गई जी बदलाव चाहते ही लोग जी आपकी सरकार आ गई पर नशा अजे तक नहीं रुकिया पर एक गल लगी आ भी ये बिल्कुल तय दिनों ये कोशिश करन दे भी नशा मकाइए जी हुण एडे वड्डे अफसरां नूं हथ पाना
गुरदे वाले चीफ मिनिस्टर का काम आ भगवंत मान नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता बाकी तो बचा लेंगे जिदा हों आप समझते हाँ भी एक इंद्रजीत फड़िया गया तो नशा मग गया हूँ कोई अफसर नहीं बचाऊ हूँ इंद्रजीत के उत्ते भी हथ कि राजजी का राजजी के उत्ते हथ कड़े ही डी जी पी लैवल के अफसर का जी मतलब कोई भी निचला एडी अफसर जड़ा ना इन्नी जुत नहीं कर सकता भी एडे वे लैवल नशे छड़ दे किसी का नशा पा दे बिना किसी के वे अधिकारी के आशीर्वाद जी ये गलों सामने आ गई नशा वेख लो संवेद संवेदनशील मुद्दा कोई दिन नहीं जाता जिदा नशे ना कोई मौत नहीं होती पंजाब कोई ओवरडोज जिदा 26 आ होनी तरीक न इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे मनाया गया है उधर भी आप दसिया ही दो तीन मौत हुई हैं जी वेखो पुलिस बड़े बड़े वधिया अधिकारी आ बहुत वधिया काम कर रहे हैं बड़िया मोटिया नशे दी खेपां फड़ रहे हैं जी बिजनेस बहुत वधिया काम कर रही आ हुण घरां दे घर ही बर्बाद हो गए नशे ना ते आज दिन वेंदे जे किसी प्यो ने अपना पुत मारता किसी पुत ने प्यो मारता किसी ने अपनी माँ मारती नशे वास्ते कोई भांडे चोरी करके लै गया कोई स्कूटरी चोरी कर दिया हाँ हूँ ही जलंधर के रात की गल चुगिटी चौंक जे बेचारा मुंडा रेहड़ी लाता है उस को नशे ही कहते बरगर दे आता मैं नहीं देना वह कड़ाई का तेल वे उत्ते पाता जी मतलब रोज यहोजी घटनावान होंदिया तो वर्ल्ड के लगभग हर साल 20 लाख नशे ना मौत होंगे जी तो नशे सरकार हड़ी जी पंजाब सरकार तो बड़ी गंभीरता ना ला रही है सेंटर के भी मिनिस्टर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भी नशा ही नहीं विकन देवे जी वार दे कोई भी नहीं चाहता नशा विके जी जी पर फिर भी पुलिस के कोई कालिया पेड़ है हूँ बंदे अगे DSP फड़िया गया है जी लखबीर सिंह जी फरीदकोट के पोस्टड ही रिश्वत लैन की एक नशा पहला 23 लाख उस तो बाद नशा तस्कर 10 लाख वो अपने बयान कहता रही मेरे नाल DIG में पैसे देना जी हूँ एक साल की इंक्वायरी तो बाद विजिलेंस की एक सिट बनी ही हूँ DIG साहब भी दोवे केसा नोमीनेट हो गए DIG इंद्रबीर सिंह जी हालांकि उन्होंने कहना भी मेरे ते बिल्कुल झूठे बेबुनियाद रोक मामला अदालत जो DIG तो DSP लखबीर सिंह सामने पाया गया इंद्रबीर सिंह विजिलेंस सामने सामने किया आंदा सर मैं तुहानू सब इंस्पैक्टर का 5 लाख दिता नहीं 2 लाख रह गया 23 दिता है 23 दिता नहीं तुहानू 2 करके फस गया जी आ आंदे तू नहीं मैंने कोई दिता उस सेट नूं कहिंदे झूठ बोलता हूँ जो बदे दाल लोकेशन बलजिंदर सिंह दढ़ाइया गई तो लखबीर सिंह ने कढ़ाई गया कि लखबीर सिंह उन्हें अपने बैंक अकाउंट चो 10 लाख रुपया कढ़ा के दिता है जी उन्हें वो फोटो खिंच ली अपने आईफोन चो फ्रेंसिक फोटो रिकवर हो गई डेट भी उही आ गई जी फिर उन्होंने लोकेशन टावर लोकेशन जी सेम आ गई फ्रेंसिक जांच के जी वाकई सच बोलता बोलन दिया फिर जी इन आप चैट हुई वह भी फ्रेंसिक जांच के जी रिकवर हो गई हूँ मामला की भी DA जरा बलजिंदर सिंह बाजवा ही वह पट्टी CIE का इंचार्ज ही जी 10 दिसंबर 2021 फिरोजपुर रोज के DIG का रीडर बलजिंदर सिंह फोन करता भी तू पेश हो आ गए DIG साहब के उत्ते जी तेन सद्या उन्होंने वो अपने उतों के मुंशी रिशपाल सिंह ना लै गए तो पेश में चल जाता वह उ डोप टेस्ट कराते आते तू नशे ही हाँ नशा पीना तो नाल भगाना जी उन्होंने उत्थे अवैध रस च रख लेंगे डोप नैगेटिव आ जाता वह हाँ अवैध रस च रख लेंगे तो अगले दिन वो मुंशी कहता भी मेरा तो जो रिश्तेदार ही DSP लखबीर सिंह बड़ी सावर सीधी गल ही तेरी गल करा वह बेचारा कहना करो जी वो आते जी 35 लाख रुपया मंगते साहब 25 सौदा तय हो जाता तेन छड़ देंगे भी तू 23 लाख रुपया 25 लाख रुपया देना जी वो बेचारे उन्होंने आता DSP भी साहब की निगाह जी है ना तेरे बैंक अकाउंट दी आ किन्ने पैसे उच उतों सीधा ही जिधर उन्हें छड़दे आ सीधा जाता बैंक उतों 10 लाख रुपया घटा तो पैसों का अरेंज कर 13 लाख होर इंतजाम करता 23 दे दिता तो 3 लाख DSP साहब होर मंगते हैं वो आते भी 2 लाख मैं जेबों पा के दिता एक मैनू दे जी हाँ वो बेचारा फिर दुखी हो जाता वो जुलाई महीने के पिछले साल उतों के तरन तरन के उस वेले के SSP रणजीत सिंह ढिल्लों एक एफीडेविट दे के शिकायत करता भी ये मेरे को 23 लाख की ठगी मार गया जी SSP साहब थाना पट्टी के FIR नंबर 115 रजिस्टर कर देंगे तो केस की जाँच सरकार वालों विजिलेंस में देती जाती है वो विजिलेंस जाँच के जो इन्होंने बिठा के सारा आमने सामने आता
तो फोरेंसिक जांच जिहड़े तत्थ मिलते आ कि जो कुछ उन्हें बलजिंदर सिंह ने आरोप लाए आ जी ये बिल्कुल सही लाए आ। अर के जी वह ना साल सरकार बदल गई सी वो शायद ता ही उन्हें हिम्मत करके एफीडेविट देता जे सरकार पहली होंगी या कोई रिपीट हो जाती तो उन्हें हिम्मत भी नहीं करनी एफीडेविट देने की लगता लीडर ना रहे होंगे हूँ लगना। फिर अके जी देखो किवें तस्करां कोलों 10-10 लाख रुपया लिया जाता तो फिर वो जिहड़ा तस्कर आ 10 लाख रुपया देंदा जां ते उन्हें पहले भी 5-7-10% इन्हां दा रख्या हुंदा हिस्सा इन्हें तो मैनूं देने ही पैने ने जी करोड़ों का काम हुंदा 10 लाख की चीज़ आ। यह घटना 30 जून 2022 की जी ये सीए स्टाफ डैथ हुई इस पट्टी का एक केस है जी चरणजीत सिंह एक्टिवा सवार एक सुरजीत सिंह वासी माड़ी मेगा 900 ग्राम रोइन फड़दा जी ते मामले के जो तार एक पिछोरा सिंह तस्कर नाम मिलते हैं जी भिखीवंड हाँ पिछोरा सिंह का ना करने के केस के बच्चों वो फिर शिवपाल सिंह लिंक करा DSP लखबीर सिंह ने तो 10 लाख रुपया दे देंगे तो वो पता लग जाता तो उहदे विच रिशपाल सिंह ते उहदे दो भरा ते पहला नामजद होंदे आ जी ये भी उदा नैक्सल उहदा भरा निशान सिंह ते हीरा सिंह जी ये भी उदा नैक्सल मैनूं लगदा हो गया जिवें आपां कीता नहीं सी वी किदां कब्जे कराउंदे आ ए बी सी डी नशा पकाउंदे आ इदां ही ए बी बी ना सी ना डी डी दी फिर ए ना सैटिंग ई दी फिर बी ना सैटिंग मतलब जदों उत्ते तक तार रले आ वो SHO की करूगा जे मान लो कोई लीडर भी जाके इन्हां नूं कहिंदा आ वी तुसीं तुहाडे एरिया च नशा विकदा फलाने लोग वेचदे ने ते फड़ी जांदी ए किलो ते पा देंदे 100 ग्राम लीडर भी खुश तो कहते वाह वाह तू बड़ा वजिया काम किया यार। यही मसला बटाले जो है ना भी जो बंद को फड़ी तो उन्होंने कहते तेरे घट पा देने 10 लाख लेना है वह बेचारा गरीब सहाता चलो उनको मार 3 लाख के केस के सिपाही जो हौलदार साहब भगोड़े आ हूँ DI साहब भी भगोड़े आ हूँ इस मामले चो ही रिशपाल सिंह भरा निशान सिंह हीरा सिंह नामजद किया जाता बाद DSP लखबीर सिंह नामजद होगा उस तो बाद DIG साहब इंदर जी नामजद हो जाते हूँ DIG साहब इस समय PAP जनता दे लगे हुए जी तो हूँ आते भी इन्होंने फड़ लिया जाऊ तुम सर विजिलेंस ने इन्हों के पोलीग्राफर टेस्ट वास्ते भी RK शर्मा डिशन शहनजाजा तरन तारण उन्होंने दी हुई है एप्लीकेशन तो 7 जुलाई हैगी वेखो की बनता मामला हूँ वेखो जदों वे वे अफसर नशा पका लग पे शैल्टर नशा बेचने वाले शैल्टर देने लग पे जां अपने ही मुलाजमान झूठे केसा च फसा के उन्हें कोई ठगिया मारन लग पे चलो नशे वाले को तो मारते जे तस्कर को तो अपने मुलाजमान को मारन लग पोगे फिर कितने जाऊगी पुलिस का तो बेड़ा गिरक हो जाऊगा के जी तो समाज के बेड़ा गिरकना ही ताना बाणा बिगड़ जाएगा भी कहते खेत वाड़ खान लग वाड़ ही खेत को खान लग जूगी वेखो फिर बनूगा की एक एक मुलाजम की किन्नी करोड़ों की जायदाद उन्हें बनाई होंगी है कई बंद ने ती वेखो जेडे SHO लगे उ लगे रेंगे नवे तो मौका नहीं देंगे जिहड़ा मुंशी चलता वह मुंशी चली जाता जिहड़ा SHO चलता वह SHO चल जाता वो अपने इलाके के अफसर भी तालमेल होता इलाके के लीडर भी तालमेल होता वो गल मूँह मकरी करते बगैर पहला पूरी कर देता वो तो नवे जे आते हैं पता लगना भी किदा करना काम नवे तो लगन ही नहीं देंगे तीन कार्ड कढ़ा के वेख लो अपने अमृतसर का वेख लो इधरों उधरों हिली जाते आप च उ लगी जाते तालमेल उन्होंने जोड़े होंगे कमिश्नर भाव जो मर्जी आ जाए SHO उ रहना तो लोग कहते यार SHO ना तालमेल रख कमिश्नर से 1-2 साल बाद बदल जाना गल देखो राकेश जी ठीक है लोग भी आखिर कहते खूह पै जाना कहें भी लोगों इंसाफ तो मिलना पहले सब तो पहले तो पुलिस को जाते हैं अदालतों कौन टकरा मारूगा क्योंकि करोड़ों केस पहले रोलते फिरते तरीक पी लोग कहें भी थले सैटिंग ये गल नहीं की भी कहना 15 साल बाद केस चलता है कि बजुर्ग जज न कहता भी रब तेन दरोगा बनाए जज साहब कहते भी तू लगता पढ़िया पुड़िया नहीं है भी तेन पता नहीं भी जज बहुत उत्ते होंगे दरोगा तो जी जी वो कहता जी जिहड़ा केस मैं 15 साल लड़के तो आ के इन्हें पैसे कर्ज करके लिया तो दरोगा मैं कहता ही 5000 दे ते तेरा मैं ना होने कढ़ देना तो मैं 15 साल लग गए इस करके कहता मैं पता भी दरोगा ज्यादा जो सियाना बंदा ना ठंडे दिन बेच लेंदा अच्छा आते भी जिन्हें उत्ते जाओगे उन्नी फीस वधी जानी है चलो केसी देखो अगे चौंका च कि ट्रैफिक पुलिस दिखती हूँ दिखती नहीं फिर ट्रैफिक का मंदा हन होला पिया नहीं हूँ और मैं कल पढ़न दिया हाँ भी DGP साहब ने शाबाशी दी आ कमिश्नर साहब 100% जड़ियाँ दरखास्तां वो हल हो गई नहीं कल मैं DCP पंडाल साहब का भी इंटरव्यू किया उन्होंने दस्या भी हूँ तीजी अख नज़र रखेगी शहर ट्रैफिक पुलिस घटा दें ट्रायल शुरू हो जाना एक अद्धे दिन ही स्मार्ट सिटी के तहत 1100-1200 कैमरा पूरे अमृतसर च लग रहा है उन्होंने कहा भी इसी साडा इधर ध्यान है ई रिक्शा जिहड़े इलीगल चलते उन्होंने भी साडा ध्यान तीजी अख जरूर रखूगी निगाह भंडारी साहब
पुलिस वालों वेख के खो खा चैनिया वाले जो लुट गुट दिया बंद हो गई डरते ही लोग भी अगले चौंक फड़े ना जाइए वो फिर शुरू हो गई। अके जी गल बिल्कुल तारी ठीक है। अके जी सवाल तो है कि लोग फिर जान तो जान कितने वैसे एक तो वधाई देनी पेगी पंजाब सरकार मान सरकार भगवंत मान होनी जोड़ा काम कर रहे उन्होंने तो कई तरह का दोष नहीं होते जिथे भी जाते हैं वो भाषण देंगे भी एक रुपया भी लोगों का खाना मेरे लिए सल्फाज की गोली खान के बराबर अज तो पहलों एहोजी स्टेटमेंट किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दी ना किसी ने दी ना कोई मुख्यमंत्री जी देखो ये भी है ना पर जो पंजाब स्माल स्केल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन के आई एस अधिकारी का ना आ जाता उत्थे सरकार क्यों बैकफुट पर आ जाती है तहसीलदार की अड़ताली नायब तहसीलदार तहसीलदार के ना जनतक हो जाते हैं सूची जारी हो जाती भी कि मार्फत पैसे ले जाते हैं उत्थे सरकार क्यों चुप हो जाती क्यों दबाव च आ जाती है गमाडा च अमरूदा के बागों च दो आई एस अधिकारियों पत्नियों के ना पैसे जाते हैं उत्थे सरकार क्यों चुप हो जाती है। मान साहब नूं साडी ये बेनती है भी इको जिहा कानून भी बनाओ वाकई जे कोई बंदा गलत करता उत्ते कार्रवाई करो तो फिर तुहानूं जे तुसीं कहिंदे हो ना भी असीं मुफ्त बिजली देनी है मुफ्त राशन देना या महिलावां नूं एक एक हज़ार रुपया देना है ये तुसीं भावें ना दिओ लोक अर्गे जी ये चाहुंदे आ नशा खत्म हो जाए गुंडागर्दी खत्म हो जाए दड़ा सट्टा कारोबार खत्म हो जाए आ जिहड़ियां लुट्टां खोहां दीआं वारदातां ये खत्म हो जाण तो जिहड़ा जेलां च बह के नशा तस्कर या दूजे गैंगस्टर फिरौतियां मंगदे या उकालां करदे इक दूजे नूं ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਲਸ ਪਿਛਈ ਆ ਪੜਨ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕੀ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਵੇ ਪੇੜ ਲਵੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਟੋਲ ਡੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਮਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਰਖਾਸਤ ਏ ਆਈ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਲ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਪਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਲੂਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਜੀ ਐਸ ਐਲ ਪੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਨ ਡੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਡੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਡੀ ਏ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੋਲਿਓ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਖੋਲਿਓ ਵੀ ਚੱਟੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀ ਏ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਈ ਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਗੱਲ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਈ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 10-12 ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੱਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਊਗਾ
उन्हों कोई ट्रेनिंग तो होंगी नहीं, ये राह दसते हैं। एक भी केस जी एक रिपोर्ट पिछले नशर हुई थी भी क्यों सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, कहते भी उन्होंने मलाईदार पोस्टा तो लानी चाहती है सरकार, तो फिर इन्हों ब्लैकमेल करते हैं, तो जो जान लगते हैं तो जान लगते फिर इन्हों फर्क कर देंगे भी कोई गल नहीं, राह आता पैसे कमा कि आता साढ़े को बड़े वे अफसर के नाम पुछे बड़ा पैसा कट्ठा होना उन्होंने को पिया, असं तो मान साहब अगे क्या 500 करोड़ रुपया कट्ठा हो जाए जे नोटा के बिसरे सौंते हैं जिदा कई अधिकारियों आता नोटा के नोट पाए आ सोना पाया सोने के बिस्तरे सौंदे आ नोटा के बिस्तरे अधिकारी है जिन्होंने बहुत चर्चा भी उन्होंने भी 100-100 करोड़ रुपया कमाया हुआ है बिल्कुल जिन्होंने वेखो नी आ जो आ बाईपास बने आ जी उन्होंने अपने दोस्तों खात्या रिश्तेदारों उ जमीन दवाती उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपये कमा ले आ जी कोई तहसीलदार लगता बिल्कुल ठीक गल उन्होंने पता लगता कि जगह कि एन आर आई जिदा आपते सारे बंद नहीं अं कहते कुछ भ्रिष्ट अधिकारी होंगे आ देखो के जी सतनाम सिंह दऊ है अगे भी असं गल की पंजाब अगेंस्ट करप्शन उन्होंने एक अज ना मेरी गल हुई कहते पिछले 23-25-30 साल पंजाब दिया सब तो भ्रिष्ट नगर कौंसलों में नगर कौंसल जीरकपुर तो खरड़ का नाम ही आता है कहिंदा इत्थे जिन्ने भी ईओ एक्शियन ते जेई आदि लगे है सारे दी कहिंदी आम इन्हां दी जायदादां दी जांच होवे ना ते पता लग जूगा भी इन्हां ने किन्ने किन्ने महल पाए ने किन्नी जान प्रॉपर्टी निकली उन्हां दी प्रॉपर्टी कहिंदे भी सारे जिन्ने ट्रस्टां दे ईओ आ ना उन्हां दी जिन्हें ट्रस्टा के अधिक अमृतसर के ट्रस्ट जो बंद लगे आखो कि बिल्डिंग बन गया किसी बिल्डिंग कोई कार्रवाई होती रखी अच्छी ना क्योंकि इन्हों सब चोर ईओ छो एस डी ओ की ग्रान जेई की ग्रान एस सी की ग्रान जे उ बैठे आ मठाधीश पुराने पुराने बैठे आ कब्जे कराई जा रहे आ चलो किस गलत है कि हम उम्मीद है कि सरकार की बदलाव के नाते आई है तो लोगों को बदलाव दिस भी रहा है पहले कदी दे वड्डे अफसरां ते कार्रवाई हुई पिछली देखो ना सिंचाई घोटाले दे विच भी इन्हां नूं चाहिदा भी छेती उहदे ते कोई फैसला लैण किन्नी उहदी जांच हुई किदां 2017 च जदों विपक्ष सन उदों इह कहिंदे सी वी अहीं आवांगे ते छेती इनसाफ होएगा कई बारी पुछगिछ होई गुरिंदर पापे को 300 करोड़ उहदा ते प्रॉपर्टी भी जब्त कीती उहदी काफ़ी तो पर इन्हां ते ना अफसरां ते कोई कार्रवाई हुई है तो ना ही कोई मंत्रियों ते कार्रवाई हुई है जी एक होर मामला है कनेडा पुलिस ने एक मामला जड़ा दर्ज किया बंदा भी फड़िया सी ट्रैवल एजेंट ब्रजेश मिश्रा तुसी देखो उन्हें किस तरह विद्यार्थियों का भविख दाते लाता 700 बच्चा डीपोर्ट होन लग्या सी उतों पंजाब सरकार ने भी उत्थे जिहड़ी गलबात की कनेडा सरकार ना सेंटर गवर्नमेंट ने भी की है तो उहदे ते कहिंदे भी इत्थे मामले दर्ज होए सी बड़े पर उन्होंने कहिंदे फड़िया फड़िया कदी नहीं गया वेखो किस तरह चल रहा है सारा वेखो जी 700 स्टूडेंट डिपोर्ट होने लगा ही उन्होंने उन्होंने फेक ऑफर लैटर दिखा ही अहीं ने बंदे ने जी ब्रजेश मिश्र ने ते इत्थे इन्हां नूं पता कख नहीं लगा ते बिहार तो आके इत्थे कारोबार कर रहा है ते ब्रिटिश कोलंबिया के बार्डर सर्विस कनेडा की बार्डर सर्विस एजेंसी आ उन्होंने अरैसट कर लिया होना दे जी उन्होंने लिया की एक्सट्राडिक्शन की कोशिश कर दी पुलिस इतने हूँ 2021 तो लैके 23 तक तो इन्होंने भी 15-20 शिकायत मिली ही उन्होंने 6-12 शिकायत मिली ही जी तो 6 के उत्ते इन्होंने FIR भी दर्ज कर ली ही 4 FIR दर्ज हुई March 17, 27, 28 तो May 22 पिछले जी, साल जी जलंधर के एक शिकायत दर्ज हुई FIR दर्ज हुई मलेरकोटला 2022 के एक FIR दर्ज हुई फरीदकोट 2021 के पर फिर मेरा भारत मान वो पैसे दे गए वो अपनी अरैसट अवॉइड कर गया तो वेख लो कनेडा भी पहुंच गया के जी देखो एक उहदा कोई लुकआउट नोटिस नोटिस नहीं जारी होया एक एक रुकेश जी बच्चे बाहर भेजने वास्ते लखां रुपये लेंदे ने फिर उत्थे जिहड़ियां यूनिवर्सिटियां च एडमिशन दवांदे उन्हां को कमिश्नां भी खांदे ने ते इस बंदे नूं ते कहिंदे ना भी असी तो जो मर्जी कही वैसे तो कानून के हिसाब नहीं सजा होनी है पर इन्हों कोई नहीं इन्हें 700 बच्चों नाल नहीं 700 परिवारों का भविख बर्बाद किया इन्हें पता नहीं उन्होंने किदा बेचारे ने पैसे चुक चुक दिते अपने मकान वेच के दिते कर्जा चुक के दिते करजे चुके आ व्याजी हुए आ कई ने फाह ले होने इतने भी मैं एक वेख्या ही कई फड़िया तो परते होंगे अमृतसर भी पुलिस जाती है कागजी कार्रवाई पाती उन्होंने घर जाती है वह पार्टी विखा दी जिद को जिन्हें फड़ाया होंगे उद को पैसे लेंदे भी वो घर रेड गन चले हाँ तो वे घर जाके चाह पी के अंदरों पैसे लगे बंदा घर ही बैठा होंगे कहते तलाशी लाए जी अंदर है कोई नहीं मतलब देखो किसी फटते नहीं इस करके ठगियां बदलिए ना ये संसो डरा वाले पहले जो नजायज है सबू बंद करा जिन्हें केस रजिस्टर्ड हो कमिश्नर साहब ती 100% आते सल्यूशन हल करता अजय मैं तुम दस सकता भी जिन्हें FIR दर्ज है
इदा ही एजेंटा के उत्ते अजे तक नहीं फड़े गए अपने घर जी बैठे जे लोगों ने उन्होंने करोड़ों ठगियां मारियां जे पुछो रणजीत भी थाने वाले भी कि एफ आई आर ताडे को दर्ज है तो किन्ने बंदे की अरैसट किए जे कोई इन्होंने अरैसट किया नहीं जाएगा सिर्फ उन्होंने एक दिन अरैसट करेगा जो पैसे नहीं दे सकता जी इन्हों का फिर हौसला बच जाता क्योंकि उन्होंने पता होंगे कख नहीं लिया हों लख लख रुपया बच्चे को नशे तस्कर छी जाते हैं फिर भी देगा फर्क पैदा फरीदकोट का केस वेख लो भी डीए की फीस ज्यादा ही आई जी की घट ही सौ करोड़ लैके छड़िया एक करोड़ लैके छी तो डीए साहब 50 लाख मंगते हैं तो 35 लाख तो सौदा तय हो जाता तो चलो बच्चे कोई डिप्टी एस पी और जरा डीए जी का हैगा ही आई जी साहब का करिंदा सब इंस्पैक्टर उन्हें भी तो लेने अभी देखो आवाज उत्या फिर करूंगा तो मेरा भारत मान है तो कुछ भी हो सदा फिर कमिश्नर साहब को कहे भी रणजीत है थाने एफ आई आर कढ़ा एजेंडा कि उन्होंने की कार्रवाई हुई है फिर अं मना 100% कार्रवाई हो गई है कई बार लगता भी ये लीडर आप ही ना प्रोस्पैक्ट ही नहीं आन देना चाहते भी कहें भी लोग उलझन फसे रहे पेचीदा देखो पुराने अंग्रेजों के वेले कानून बने मेरी सेंट्रल जो मिनिस्टर ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उन्होंने गलबात हुई थी वो कहते जी मोदी साहब बहुत सारे कानून 1400 किन्ने कानून उन्होंने गिनाए से भी रद्द किए हैं पर हजे भी धाराव कई ऐसा जी पहलों दलनिया क्यों हूँ देखो ना कि कोई क्राइम हुंदा सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हो जाता काम फिर उन्होंने सजा उन्होंने सजा क्यों नहीं मिलती सख्त सजा का प्रावधान क्यों नहीं है क्योंकि जदों के एक्ट बने उदों इन्ना सिस्टम डिवेलप नहीं सीगा टेक्नोलॉजी इन्नी एडवांस नहीं सी ते हुण ते बहुत कुछ हो गया वेखो जी वो जरा ब्रजेश मिश्रा धारा इन्होंने वो तो बड़ी वधिया लाइया अंडर सैक्शन है 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 420 चीटिंग 465 फोर्जिंग डाकूमेंट्स 467 फोर्जरी धारा तो बहुत सोहनिया लाइया पर धारा तो काम नहीं किया जिन्हों को बाईचानस परचा देता उन्होंने को फीस रही होनी है भी आह वेख लो कि चंगी धारा जी परचा देता है तो छड़ना ही हूँ फड़िया नहीं इन्होंने कनेडा पुलिस ने फड़ लिया इतों बहर भी चल गया ट्रैफिक क्यों नहीं जारी हुई देखो एडा एडा संवेदनशील मामला फिर बाकी जदों एक तो कार्रवाई नहीं होंगी तो दूसर का हौसला बढ़ता है उन्होंने पता भी होना ना कख नहीं भी ठगी मारो करोड़ों रुपए की मुर्गे 14 लाख रुपया दे के छुट जाओ कानूनों के उलझा रहेगा काम पचीदा जिहड़ा सिस्टम है चलो असीं उम्मीद करते हैं ना उम्मीद ही नहीं हुए असीं भी कभी ना कभी तो सिस्टम से सुधार होगा तो यूथ नूं इहदे लई अगे आना पऊगा कि जी एक पासे तो आ सिस्टम चलता देखो तो दूजे पासे लोग भी देखो की करी जांदे आ भी गरीबां दा राशन खाई जांदे आ जे किसी की विधवा की पेनशन है तो विधवा की पेनशन ले जाए चंगे भले विधवा हो जाती है बुढ़ा कोई नहीं है चंगे भले वे बच्चों को भी पैसे चंगा भला घर आ कहते बाबे को भी 2 रुपए किलो जरा कणक है कहते सरकार ने कोई 3 लाख के आस पास कार्ड कटते हैं भी ये बंद को की वो अधिकारियों ने जिन्होंने इन्होंने कार्ड बनाए जेड़े इन्हों राशन देंदे रहे या इन्हों माल आप खाते रहे कि सरकार उन्होंने कार्रवाई करेगी वेखो जी फिर कार्ड तो उन्होंने को लीडर बनाए होंगे जी हूँ वेखो भी आप सरकार बेचारी कितने कितने काम करे कड़े कड़े चोर फड़े IPS फड़े IAS फड़े फड़े राशन वाले फड़े कितने कितने जाए पटवारी फड़े तहसीलदार फड़े कितने जाए हम सारे फ्रंट देना खोल लिया उधर गवर्नर साहब का फ्रंट खोलिया उधर सेंटर का फ्रंट खोलिया पर फिर भी तको तकी हो ही जान रहे जे थकन नहीं जटे इन्होंने आप गवर्नमेंट ने स्टेट फूड एंड सप्लाई विभाग को 40,68,887 राशन कार्डा की चैकिंग कराई जी जिद 2,86,173 राशन कार्ड वो बाए जो गलत बने हुए हैं तो हूँ उन्होंने राशन बंद करता तो 14 लाख बेनीफिशरी जिन्हें नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के फायदा पहले लै रही उन्होंने कणक बंद करती है तुम पता भी कणक जी पहला पति परिवार पति प्रति मैंबर 5 किलो मिलती ही 2 रुपये किलो हिसाब न अक्तूबर तो बाद भी फ्री करती गई है सारी पहला 6 महीने बाद मिलती 3 महीने बाद मिलती है तो इस पेल 3,82,000 कार्ड पिछली कांग्रेस सरकार ने भी रद्द कराया है 3,82,000 हो गया तो 2,86 हो गया करीब करीब मतलब 7 लाख के कोल पहुँच गया ना जी कहा भी 7 लाख बंदा इन्हों को किसी रिकवरी जरूर होनी चाहिए वो मर्सडीज वाला ले जाता ये डिपूआ ना रल के चक्कियां ना रल के माल खाई जाते हैं डिपूआ वाले भी कहते भी मोटा उन्होंने तो यह वरदान हो गई है जी स्कीम जी इन्हों चाहिए हर डिपू की विजिलेंस जांच हो वाकई
कणक जिहड़ी जा रही आ जिहदे जिहदे वास्ते आई आ ज़्यादा शिकायतां ये भी कणक बाहर चक्कियां ते लै जांदी आ उन्हां नूं पूरी कणक नहीं दिंदे रहे जी ये भी बहुत सारी शिकायतां दिंदे घट दिंदे कई दिंदे ही नहीं जी कल ही मैंने एक बंदा कि डिपो वाले बारे दस के गया ही अही डीएफसी साहब के ध्यान च लियावांगे फोन करके भी की एक्शन करते आ वो आते भी अपने घर ही डिपो लिया घर ही कणक लवादा उतों गड्डी चलादा तो ला के चक्कियां ते लग जांदी आ ओके जी इत्थे ते इहो जिहे डिपो जिहड़े चक्कियां ते बिल्कुल ला लिया करते अपने डिपू से लगा देने चक्की से लगा देंगे माल तो सारे फूड सप्लाई वाले रले बे डिपू वाले कहते भी ब्लैकमेलर पैसे लै गया और ना ही गलत काम करो तो ब्लैकमेलर ना होगा पे और कहते जी परल कंपनी की जायदाद वेचन लगी है सरकार तो हूँ ये की सरकार वेच पाऊगी क्योंकि आम तौर पर देखा जाता जो चोर ठग हों ना जिन्हें भजना होंगे उन्हें अपने रिश्तेदार के नाम जमीन खरीद लेता बेनामिया प्रॉपर्टियां खरीद अपने करिंदियां के नाम से खरीद लेता तो दूजे पास है भी ये लोग जाल छज फसते क्यों क्यों आज के लालच के दस हज़ार दें तो मैनू कहते घर बैठे ही इन्ने पैसे आई जाएंगे तो फिर 60,000 करोड़ का घोटाला तो होना ही है ना जी आए दिन चिट फंड घोटाले जोड़े वो सामने आए जाते हैं तो की रकेश जी की वाकई सरकार ये कर पाऊगी हालांकि मुख्यमंत्री को कुछ भी संभव आ जी मुख्यमंत्री साहब ने कहा भी अही उन्होंने प्रॉपर्टियां सारे तहसीलदार ने कहा रजिस्ट्री कैंसल करो इन्होंने प्रॉपर्टियां वेच के तो अही लोगों को पैसे देने लवशीला के मुख्यमंत्री कर रहे वेखो कामयाब हों कि नहीं होगा जरूर जी जो इच्छा शक्ति हो सरकार की तो सरकार कुछ भी कर सकती है फिर कह जी ये भी कहते भी तेरे में सारे केस रद्द करा देना सबका एम एल ए साहब रिश्तेदार को एक किन्ने 3.5 करोड़ का 5 करोड़ मंगया 3.5 करोड़ तो केस रजिस्टर्ड हो गया हूँ 7,000 करोड़ की बंदे ने निर्मल सिंह भगू ने ठगी मारी मैं तुम्हें पहले दसिया भी दुध ही हों जी मोदे पिंड आता ही तो दुधिया मोदे धनाया था दुधिया दुध लिया के वेचते हैं क्या दुध कुछ नहीं बनया इन्हें वेखो कि स्कीम लाई स्कीम तो स्कीम कि ठगी मार गया 5.5 करोड़ बंदे ने ठगी मारी आ 10,000 करोड़ की ठगी अमृतसर चो बजी आ पूरे पंजाब पंजाब 10 लाख बंद को जी तो इदा का ही एक मसला आ पुष्कर राजस्थान के हरी ओम इंटरप्राइज चिट फंड कंपनी खुली ही गोपाल उदई ही तो वो पत्नी ही नीरू भाई भरा ही लकी रल के उन्हें स्कीम पाई भी 30 महीने की 1,000 रुपया देना तो ता हर महीने लकी डरा निकलूगा कि एसी निकलू कि मोटर मोटरसाइकिल निकलू कि कुछ निकलू वड्डी चीज़ें निकलन गया जिदा कुछ ना निकलू 30 महीने आप पैसे दे देंगे वापस पूरे से पूरे डरा कटे डरा उन्हें अपने बंद कड़ लेने तो उन्होंने भी मार के करोड़ों की ठगी तो गांह गया जे अदर के जी सवाल तो है ना जी भी लोगों भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होएगी मुड़ के सारिया गल्लां सरकारां नहीं कर सकदियां ठीक है सरकारां ते प्रशासन तुहाडी मदद वास्ते हुंदा पर किते ना किते अपनी जिम्मेवारी नूं भी समझना पएगा ते राकेश जी समा हो गया जल्द ले आना पैंदा जरूर जरूर चलो उम्मीद करते हैं कि अमरूदा के बागां दे भी जिहड़े फसे आ पैसा वापस तो खैर बहुत सारे लोगों ने करता है तो पर इहदे नाल क्राइम नहीं घट जाता बहुत सुविधावां दिंदी है सरकार तुसीं रब वांगू लोग तुहानूं पूजदे आ किस तरह तुसीं साहब ने आना है तो दफ्तर च एसी पहले ही चालू हो जाता साहब जिते मर्जी चले जाए एसी पिछों चलता रहिंदा ते नौकर चाकर गड्डियां जिथे जाना तुहानू सलूट स्टेट दे तुसी राज जाना एसी दे एसीआं दा किन्ना रौला पिया मोगे च पिया जी ऐ की सजाई निकलती पता नहीं इत्थों दा मैनूं पता एक कोई एक ना एसी आए नवे लगन वास्ते जी हस्पतालां विच एक महिला अधिकारी ही जी उन्हें नवा एसी अपने घर लवा लिया उतों अपना पुराना लाया जो माड़ा मोटा जल्दा ही लवा के उत्ते लवाता देखो काम यह हों जो वो कहें ना भी एम एल ए कोठिया दो लग गए उस सच्चाई नहीं लगती भी वेखो एसी के बदले एसी तो लगना कुछ ना कुछ दे हाँ एक गल सची आई मोगे एसएम ओ चिट्ठी घुमंडी आया इन्हें पैसे नहीं पैसे नहीं गए पैसे देखिए ऑडिट आ गया ऑडिट के पैसे पक्के कट्ठे होंगे जे ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਆਉਂਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ